हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एम्फियोक्सिस के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। बीएससी सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर ऑफ जूलॉजी में यूनिट फर्स्ट में एम्फियोक्सिस का टॉपिक है, तो आज हम एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एम्फियोक्सिस की स्टडी करेंगे। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, इसमें नर्व कॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होता है, ये होता है रोस्ट्रम, ये होता है व्हील ऑर्गन। व्हील ऑर्गन क्या होता है? व्हील ऑर्गन लॉन्ग में नहीं पूछा जाता लेकिन शॉर्ट में रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है व्हील ऑर्गन। उसके बाद आता है बक्कल सिराए, ये होते हैं ओरल हुड, ये हो गया फेरिंग्स, और ये जो आप ग्रीन कलर के देख पा रहे हैं ये होते हैं गिल स्लिट्स, और ये होते हैं मिड गट ओलिवर, ये वेंट्रल फिन होता है, इसको हम हिंड गट बोलते हैं, ये हो गया एनस, और ये हो गया टेल। टेल के बाद होता है ये कॉडल फिन, इस एरिया को बोलते हैं हम डोर्सल फिन, ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं आपको ये होते हैं मिडगट, और ये जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं इनको बोलते हैं हम डोर्सल फाइनरी बॉक्सेस। तो ये हो गया एम्फियोक्सिस का एक्सटर्नल फीचर।